कि हर घर में माँ बाप के पाँव भी नहीं छुए जाते हैं, ये सच्चाई है। मगर हमारे वजीर आजम हिंद ऐसे काबिल है जिसके साथ हर एक देश बिल्कुल मिलजुल के काम करना चाहता है। मैं रो रहा हूं कसम से, हम अच्छे हैं भाई, हमें उधर मत, हमें हमें वहां मत ले जाओ भाई, हमें हमारी बात ही मत किया करो। इतना ग्लैम शैम के साथ वो सब किया गया, मोदी जी के लिए स्टेट डिनर दिया गया, उनके पैर छुए जाएंगे। ये सिर्फ हमारे नहीं छुए गए, ये जावेद भाई के पैर छुए गए, ये मेरे पैर छुए गए, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पैर छुए गए। तो उस चीन ने 1500 मस्जिदों को जमीन बोझ किया। हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जहां अजान नमाज किसी चीज पे पाबंदी नहीं है, किसी मजहब पे नहीं। आपको चीन अच्छा है या हिंदुस्तान अच्छा है, मुझे ये बताइए पहले। दुनिया में जो हो रहा है इसका पाकिस्तान पे सीधा असर पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई इसका पाकिस्तान पर कुछ असर पड़ने वाला है? चर्न हो रही है दुनिया में, एक नई करवट ले रही है दुनिया, दुनिया लीग इंटरनेशनल लीगल हमारे डॉलर तो नहीं रुक जाएंगे, हमारे डॉलर हमारी इमदाद तो नहीं रुक जाएगी। नहीं, आपके डॉलर रुक चुके हैं, अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर आप सही काम करेंगे तो आपके डॉलर की सप्लाई शुरू भी हो सकती है। आपके डॉलर बहुत सोच समझ के रोके गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ दो पर्सनालिटीज मौजूद है, दोनों का ही ताल्लुक भारत से है, एक भारत की मेजोरिटी से और एक भारत की माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। आज हमारे साथ कश्मीर से बीजेपी के प्रेसिडेंट जावेद बीजेपी कुरैशी जी ने ज्वाइन किया है, और दूसरी तरफ हमारे साथ अभिषेक मिश्रा ने ज्वाइन किया है जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का है कि आप दोनों ने कीमती वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला, धन्यवाद। थैंक यू रिमना जी फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मौजू ये है कि यूएस की एक सिंगर है मैरी मेलबर्न, जिन्होंने स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के पांव को हाथ लगाया है, उनके कदमों को हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया उनसे, और स्पेशल जन गण मन भी पढ़ा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पेशल फील करवाने के लिए, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ा है और बहुत ज्यादा वीडियोज भी इसकी वायरल हो रही है। दूसरी तरफ इजिप्ट के लोगों ने, इजिप्ट के सिटीजन ने भी ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए हम जान भी दे देंगे, ये उन्होंने गीत गाया है। तो ये चल क्या रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले सर जावेद सर आपसे जानेंगे, क्या कहेंगे आप बीइंग अ कश्मीरी एंड बीइंग अ माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, आप क्या बोलेंगे? मैं पहले तो ये फख्र की बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर को आज हर जगह पे लोग झुक के सलाम करते हैं, खुशी की बात है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। और अगर आप ये बताओगे कि आज बेटा अपने बाप के पाँव नहीं छूता है, मगर वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया है, ऐसा दिखाया है, आज अगर आप समझ लोगे कि हर घर में माँ बाप के पाँव भी नहीं छुए जाते हैं, ये सच्चाई है। मगर हमारे वजीर आजम हिंद ऐसे काबिल है जिसके साथ हर एक देश बिल्कुल मिलजुल के काम करना चाहता है। हमने जो पिछली तवारीख को देखा है, हिंदुस्तान के जितने भी वजीर आजम रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है, मगर हालात इस तरीके से बेहतर नहीं हुआ करते थे। जब से वजीर आजम हिंद ने ओहदा संभाला है तब से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश हो गई, आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ। यहाँ पहले क्या होता था, पहले बाजारों में, यहाँ हिंदुस्तान में कई बाजारों में, मैं जम्मू की बात करूं, मैं कश्मीर की बात करूं, वहां पे स्पीकर्स लगाए जाते थे कि इस बस्ते को छूना नहीं, ये पहले होता था। आज ये नहीं होता है, आज किसी हिंदुस्तान के बाजार में आप ये नहीं देखो। वो जो डर का माहौल बनाया गया था, उस डर के माहौल को खत्म किया वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा, आपको मालूम होगा कि पहले भी जब उसने हलफ उठाया था उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए थे,
वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी उनके साथ कि हम गुर्बत पे काम करेंगे, जो गरीब है हमारे दो मुल्कों में हम उन पे काम करेंगे, जो आतंकवाद है इसको मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश तो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ और हो भी रहा है। आज हिंदुस्तान के नागरिक फखर से अपना सिर उठाते हैं बाकी देशों में, तो मुझे लग रहा है कि सियासी लीडरों को सबक लेना चाहिए। बड़ी हैरानगी हो रही है सर आपको इस तरह की बातें करता हुआ देखकर, क्योंकि हम तो अक्सर यही सुनते हैं कि बीजेपी के खिलाफ है मुसलमान, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी ज्यादा तारीफ की है उनकी। तो अभिषेक सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जावेद भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है, अब उसके बाद कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं मेरे पास। अब वो आखिरकार एक बहुत माहिर राजनीतिज्ञ हैं तो उनके सामने बात करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपकी एक बात से जरूर वो है कि इख्तलाफ रखता हूँ, मुझे आपकी बात से सहमति नहीं है। आपने कहा कि जावेद भाई हिंदुस्तान की माइनॉरिटी से हैं और मैं हिंदुस्तान की मेजॉरिटी से हूँ, ये बात कतई गलत है। जावेद भाई का हिंदुस्तान जितना है उतना ही हिंदुस्तान मेरा है। मेजॉरिटी से होने का मतलब मेरा ज़्यादा है, उनका कम है, कतई नहीं है। न भारत की संस्कृति में कभी ये बात रही। हमारी दिक्कत ये है, हम जब जब लोगों से अपनी बात कहने जाते हैं ना तो वो लोग अपने हिसाब से हमें देखते हैं। भाई हमारे यहाँ कभी नहीं रहा कंसेप्ट कि ये तेरा है ये मेरा है तुम हमें से नहीं हो। जावेद भाई इस भारत माँ की कोख से एक जन्मे हुए बच्चे हैं जैसे मैं हूँ, जितना भारत उनका उतना भारत मेरा, न मैं मेजॉरिटी हूँ न वो माइनॉरिटी, हम दोनों एक बराबर हैं। सबसे पहली बात, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं की गई सिवाय आर्टिकल 30 के लिए, उसका पर्पज ही दूसरा है। तो और हमारी संस्कृति में कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं किया, कभी नहीं किया हमारी संस्कृति में। हमारी संस्कृति में हमेशा ये कहा गया कि भारत की भूमि पर जन्मा हुआ हर आदमी भारतीय है। तो अब रही बात मोदी जी की, मोदी जी उसी माँ भारती की, उसी माँ भारती की जो कहानी है वो दुनिया के सामने ले जा रहे हैं। हमारी कहानी आपकी कहानी है, ये याद रखिएगा निमरा जी, हमारी कहानी आपकी कहानी, हमारी कहानी अमेरिका की कहानी, हमारी कहानी हर एक इंसान की कहानी। हमारे लिए ना कोई अरब है, ना कोई अमेरिकी है, ना कोई ब्रिटिश है, ना कोई यूरोपियन है। हमारा जो पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है वो हमें सिखाया है कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया ही परिवार है। तो जब एक परिवार है तो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला टू नेशन थ्योरी नहीं कह सकता, क्योंकि अपने परिवार में कैसे दो नेशन हो जाए। परिवार में अलग अलग तरीके के लोग जरूर होंगे, कोई आईएएस होगा, कोई बेचारा पीओन होगा, कोई बेचारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, कोई बहुत बड़ा राइटर होगा, कोई फिलोसोफर होगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाता होगा, लेकिन सब परिवार का हिस्सा है। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि वहां पे डिफरेंशिएशन है या डिस्टिंक्शन है। हमारी कहानी आपकी कहानी। सो मैं फिर से कहूंगा कि मोदी जी दुनिया में इसलिए प्यार किए जाते हैं क्योंकि वो सबको अपना समझते हैं। वो जब इजिप्ट में जाते हैं तो इजिप्ट के कल्चर को ये नहीं समझते ये इजिप्शियन कल्चर है, वो जानते हैं ये मेरा भी कल्चर है। क्योंकि भारत की जो जो हमारी जो चेतना है, जो अवधारणा है इस धरा के प्रति कि सब कुछ हमारा है, तो वो प्यार जब वो देते हैं ना, वो पॉजिटिविटी जब वो देते हैं ना, लोग उनसे जुड़ जाते हैं। तो कई या तो आप तलवार से लोगों को झुका लीजिए या तो प्यार से झुका लीजिए, इधर यू डिमांड रेस्पेक्ट और यू कमांड रेस्पेक्ट। मोदी जी इज वन ऑफ दोज Who commands respect and why does he? क्यों उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है? Because वो हमारी परंपरा के वाहक हैं, वो सही भारतीय परंपरा के वाहक हैं। हमें अब मौका मिल रहा है कि भारतीय परंपरा, भारतीय फिलॉसफी, भारतीय चैतन्यता को हम दुनिया में ले जाएं, और हम ले जा रहे हैं। तो इसी के लिए मोदी जी से सब जुड़ जाते हैं, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है उनको। और दुनिया को ये पता है कि दुनिया का लीडर अगर कोई बन सकता है बिना किसी इराक पे बम गिराए, बिना किसी अफगानिस्तान पे बम गिराए, बिना किसी निकारागुआ के ऊपर बम गिराए, सबको अपना बनाते हुए अगर कोई चल सकता है तो वो है हिंदुस्तान। जो टर्की की भी मदद करे,
जो सीरिया की भी मदद करे, जो अफगानिस्तान के भी पेट भरे, जो पापुआ न्यू गिनी के लोगों को भी वैक्सीन दे, जो अफ्रीका के लोगों के लिए भी फैक्ट्रीज लगाए और उनके भी वेलफेयर का सोचे, जो हर इंसान के बारे में सोचे, वो हमारी परंपरा है और उसी परंपरा के तहत हम जा रहे हैं, इसलिए हमें ये सम्मान मिल रहा है। तो एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि मैं किसी मेजोरिटी का सदस्य नहीं हूं, जो जावेद भाई है वही मैं हूं, और मेरे और उनके में धेले भर का रेश मास्टर का भी कोई अंतर नहीं है, जितनी भारत माता मेरी है वो उतनी ही उनकी है। अभिषेक सर ने जो कहा मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी बातें कही, जो हिंदुस्तान में है वही उसने सच्चाई बयान की। अगर आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान में जब होली का त्योहार होता है तो मुसलमान उसमें शिरकत करते हैं, जब हमारी ईद होती है तो उसमें हिंदू हो सिख हो ईसाई हो, हम एक दूसरे से मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हैं, ये हिंदुस्तान की परंपरा है। अगर आपने देखा होगा वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया, आपने देखा होगा पहले तिलावत से किया, सूरह अर्रहमान वहां पे पढ़ाया गया, फिर उसके बाद बाकी मजहबों का भी वहां पे कहा गया। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के साथ रहते हैं। अगर आप कश्मीर की बात करोगे, जो कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हमारे पड़ोसियों ने इसको जहन्नम बनाया था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कश्मीर के नौजवानों के को एक रास्ता दिया, और वो रास्ता क्या दे दिया, अमन का रास्ता दे दिया। कुछ ऐसे शरारती लोग थे जो हमारे मुल्क पड़ोसी मुल्क के साथ मिलजुल के कश्मीर के नौजवानों को बर्बाद कर रहे थे, जिनके हाथ में पत्थर थमा रहे थे, जिनके हाथ में गन थमाया गया था, जिनके दिल और दिमाग में ऐसी गंदी सोच पैदा की थी जब यहाँ पे हालात खराब रहते। मगर ऐसा वजीर आजम हिंद मिला ना, एक कश्मीरी होके हर एक कश्मीर के घर से आवाज निकलती है, वजीर आजम हिंद ऐसा मिला जिसने कश्मीर को ही बदल दिया, जिसने कश्मीर में उस गन कल्चर को खत्म किया, जिसने कश्मीर में उन बम बंद किया, जिसने कश्मीर के नौजवानों को ऐसा रास्ता दे दिया। आज हमारा कश्मीरी नौजवान चाहे कोई भी कंट्री हो वहां जा अपना काम करने के लिए, अगर आप देखोगे, अगर आज नौकरी है हर एक बनना चाहता है कि कोई आईपीएस अफसर बने, डॉक्टर बने, मगर सोच दिया किसने, ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अगर आप देखोगे कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराया जाता था, आज कश्मीर के हर घर पे हर चुराए पे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगते हैं। आज यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं होती है, पाकिस्तान ने आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखे में रखा, ये सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। अगर पाकिस्तान के सियासी लीडर ये समझते कि हमें क्या करना है, हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने आतंकवाद को कब का रोक लगा दी होती। आज पाकिस्तान हर एक देश से भाग रहा है, किसी देश में पाकिस्तान को कोई वैकार और इज्जत नहीं है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जिस हिंदुस्तान में हर एक मजहब के लोग रहते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ऐसा संविधान दिया, ऐसा कानून दिया, हर मजहब के हुकूक है उसमें। आप ये देखिए, ये किसी कंट्री में आप नहीं देखोगे। मदद मांगते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंद से, मदद मांगते हैं चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो। आपने देखा होगा कोविड-19 में हमारे देश में वैक्सीन बनाई गई और हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हर देश को मुफ्त में दे दिया, और यहाँ पर भी करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिलवाई। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान जब तक, मैंने कई बार बोला है, पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को खत्म खुद न करेगा तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। इन चीजों को वहां के सियासी लीडरों को समझना चाहिए,
और आज का युवा, आज का नौजवान जो कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है या हिंदुस्तान का है, वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे वो दुगली सियासत नहीं चलेगी, अब यहाँ पे वो सियासी तकरीरें नहीं चलेंगे जो मजहब के आड़ में लाकर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश किया करते थे। क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज देखते हैं, आज अगर आप देखोगे पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हमारा बच्चा भी देख रहा है, वो हमारी माएं भी देख रही है, वो हमारे नौजवान भी देख रहे हैं। आज धोखे की जिंदगी नहीं है, आज हकीकतन सच्चाई के साथ हमें चलना है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सियासी लीडरों को यह समझना चाहिए कि कश्मीर की जो रट लगे हुए थे हर इलेक्शन में, मसले कश्मीर, इस मसले कश्मीर को दफन कर चुका है हिंदुस्तान, अब कोई मसले कश्मीर नहीं है। हमें अपने हाल पे छोड़े, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बम ब्लास्ट में यकीन नहीं रखते हैं, हम पथराव में यकीन नहीं रखते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से मैं समझता हूं और हर एक कश्मीरी ये समझता है कि हमें ऐसा वजीर आजम हिंद मिला जिसने हमारे नौजवानों को बचाया। हर जगह कश्मीर में चीखों की आवाज आती थी, रोने की आवाज आती थी, मगर आज कश्मीर में रोने की आवाजें नहीं आती है। आज कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगते हैं, आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार होता है और कश्मीर से होता है। मैं कश्मीर से बोल रहा हूं और कश्मीर से होता है, ये खुशकिस्मती है। मगर ये तब मुमकिन हुआ जब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने सच्चाई के साथ न मुसलमान देखा, न हिंदू देखा, न ईसाई देखा, न पंडित देखा, हर एक के बराबर जितने भी स्कीमें लॉन्च करता है हर एक को लाभ मिलता है, और न किसी के साथ मजहबी बेबाद होता है। ये समझने की बातें हैं, हमें आगे बढ़ना है, हम इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते। हमारा नौजवान, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को धोखे की जिंदगी नहीं देना चाहता हूं। ये धोखे की जिंदगी पहले थी, तब सोशल मीडिया नहीं था, तब इतने नेटवर्क्स नहीं थे। आज मेरा बच्चा खुद देखता है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, सऊदी अरब क्या कर रहा है। वाहिद आज पाकिस्तान है जो हर मुल्क से कट हुआ है, अलग हुआ है, और किसी जगह इसकी पहचान नहीं है। यूएस में बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हमें देखने को मिला, जिस तरीके से वहां पर मोदी हो रही है, इवन दूसरी कंट्रीज में भी हो रही है, इजिप्ट में भी गए हैं, वहां पर भी मोदी हो रही है। तो जिस तरीके से उनकी इज्जत की जा रही है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हमारे मीडिया पर हमें अभी भी ये दिखाया जा रहा है कि ये दुनिया में जो हो रहा है इसका पाकिस्तान पे सीधा असर पड़ने वाला है। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई इसका पाकिस्तान पर कुछ असर पड़ने वाला है? सबसे पहले आपसे जानते हैं सर, अभिषेक सर, आपसे। पाकिस्तान पे असर पड़े, आई होप कि पॉजिटिव असर पड़े। असर तो कैसे नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, दुनिया चर्न हो रही है, दुनिया में एक नई करवट ले रही है, दुनिया लीग इंटरनेशनल लीग, हमारे डॉलर तो नहीं रुक जाएंगे, हमारे डॉलर हमारी इमदाद तो नहीं रुक जाएगी। नहीं, आपके डॉलर रुक चुके हैं, अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर आप सही काम करेंगे तो आपके डॉलर की सप्लाई शुरू भी हो सकती है। आपके डॉलर बहुत सोच समझ के रोके गए हैं, कई बार ना बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो डॉलर तो आपके रुक चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट होप कि आपको आप होश के नाखून लेंगे और फिर से जैसी दुनिया चल रही है वैसे आप चलेंगे, जहां दुनिया जा रही है वहां आप जाएंगे, आप दुनिया से अलग चल रहे हो, दुनिया इधर जा रही है आप उधर जा रहे हो, आपको सारी दुनिया में प्रॉब्लम दिख रही है, अब क्या किया जाए। दुनिया जा रही है मानवता की तरफ, दुनिया जा रही है प्यार की तरफ, दुनिया जा रही है कल्चरल डाइवर्सिटी की तरफ, दुनिया जा रही है प्लूरलिटी की तरफ, दुनिया जा रही है ह्यूमैनिटी की तरफ। आप जा रहे हो अपनी दिशा में, पता नहीं कहाँ टू नेशन थ्योरी, तो ये अलग है तो वो माइनॉरिटी वो मेजोरिटी, अरे हम सब एक समान। जैसे बड़ी अच्छी बात कही जावेद भाई ने, ईद होता है, मेरा दोस्त था अली, जितनी जावेद भाई की दाढ़ी है उससे भी बड़ी उनकी दाढ़ी थी, तो मैं उसको अपने घर पे इफ्तार कराया है, मैंने उसको अपने बाइक से लेकर के नमाज पढ़ाने ले गया, फिर वो आया नमाज पढ़ के, हम लोग रहते थे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो खूबसूरती है, होली भी हो, ईद भी हो, क्रिसमस भी हो, सब हो, यही हमारा है भाई, हम यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सिर्फ जो है वो एक ही तरीके का वो हो। भारत की संस्कृति और हेरिटेज हमारा बस यही एक है कि इसकी हेरिटेज संस्कृति प्लूरलिटी को हमें बचाना है, जो हम कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान देख ले कि वो अपनी हेरिटेज को एक्सेप्ट करेंगे, वो ये मानेंगे कि वो भारतीय हेरिटेज के हैं या अभी भी वो मानेंगे कि वो तुर्क हैं या अरब हैं।
और मैं तो बोल बोल के थक गया कि आप भैया जाके तुर्कों का जाके खाली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़, वो कह रहे हैं हम तुर्क है, यूरोप में रहता है तुर्की, एक जो तुर्की है जो यूरोप में है, ये कोई यूरोप के लोग नहीं, ये सेंट्रल एशिया से गए हुए लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल पे कब्जा कर लिया था और वहां पे तुर्की से स्टेट बना लिया। वो अपने आप को आज तक तुर्क कहते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सिर्फ मुस्लिम है, पाकिस्तान के ही लोग हैं जो ये कहे जा रहे हैं, वो एक अच्छे मुसलमान भी हैं और अच्छे टर्क भी हैं। मैंने सेंट्रल एशिया में अपने जिंदगी बिताई है करीबन एक साल, मैंने देखा है उनको, वो अपने नोमैडिक कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को अपनी छाती पे लगा के घूमते हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। ये तो आप हैं जो अपनी हिस्ट्री से और अपने कल्चर से और अपने ट्रेडिशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो जाएगा। सभी चीजें साथ में चल सकती हैं, आप ये सीख लीजिए, दुनिया आज की डेट में ये कहती है कि एवरीवन इज बोर्न इक्वल, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, दुनिया इसकी तरफ जा चुकी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, माइनॉरिटी मेजोरिटी का खेल करेंगे, तब तक आप इस बात को कतई नहीं समझ पाएंगे। हमारा और हमारे रब का संबंध हमारा पर्सनल अकीदा होता है, हमारा और हमारे कल्चर, हमारा और हमारे लोगों से संबंध हमारी कल्चरल एफिनिटी होती है। ये डिस्टिंक्शन आपको बस समझना है, जिसको जो पसंद है, जिसको जिस रब से खुशी मिल जाए उसको वो रब मुबारक हो, लेकिन आप जो हैं वो अपनी ट्रेडिशन को नहीं मानते, अपनी कल्चर को नहीं मानते, तो आपका क्या होगा बताइए? आप किससे दोस्ती करेंगे? आप चाइना को भी, आप हिंदुस्तान को धुतकारते हो क्योंकि हिंदुस्तान कहता है कि आप हिंदुस्तानी हो, और चाइना को गले लगाते हो जो कि वहां पे वो जो कर रहे हैं मुसलमानों के साथ उसका तो कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। जब आप अपनी कथनी और करनी के बीच का अंतर मिटा दोगे तो आपको दुनिया गले लगा लेगी, जैसे इजिप्ट ने हिंदुस्तान को गले लगाया है और हिंदुस्तान ने इजिप्ट को गले लगाया। कल और परसों जो अमेरिका में हुआ, ये कोई नॉर्मल चार ट्रीटी और चार ये एग्रीमेंट नहीं साइन हुए हैं। कल जो हुआ वो एक बहुत, जिसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर में। कल अमेरिका ने ये उद्घोष कर दिया कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर है और अब हम धीरे 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 सेकंड फीडल रोल करेंगे, क्योंकि दुनिया में इतनी विविधता को साथ लेकर चलने का अगर किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में, किसी ट्रेडिशन में, किसी फिलॉसफी में, किसी देश में यदि सक्षमता है, यदि दम है, तो वह है भारतवर्ष। और समय आ गया है कि भारतवर्ष को ये बैटन सौंप दिया जाए, और ये बैटन उन्होंने सौंप दिया अमेरिका ने। इतना ज्यादा उसकी, जिसको कहते हैं इतना ग्लैम शैम के साथ वो सब किया गया, मोदी जी के लिए स्टेट डिनर दिया गया, उनके पैर छुए जाएंगे। ये सिर्फ हमारे नहीं छुए गए, ये जावेद भाई के पैर छुए गए, ये मेरे पैर छुए गए, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पैर छुए गए, और यदि आप मान लीजिए तो 1,65 करोड़ लोगों के पैर छुए गए। तो मानने के ऊपर है ना, ये तो मानने के ऊपर है, आप जिसको अपना मान लें। हम कह रहे हैं दुनिया की सबसे अच्छी कृति ताजमहल, दुनिया की सबसे अच्छी कृति लाल किला, उसके साथ साथ खजुराहो के टेम्पल्स को भी मान लीजिए, वो भी एक अच्छी कृति है, उसके साथ साथ कोणार्क मंदिर को भी मान लीजिए, वो भी एक अच्छी कृति है। ये जरूरी थोड़े कि ताजमहल को मान लिया तो उनके ऊपर हमने जाकर के राखी डाल देनी है, वो भी आप ही के लोगों ने बनाया, आप ही के पूर्वजों ने बनाया, तो हमें भी स्वीकार कीजिए, इसको भी स्वीकार कीजिए, सबको साथ लेकर चलिए। हम आपसे और क्या कह रहे हैं, आपके पाले में गेंद है। भारत की नेतागिरी या नेतृत्व कह लीजिए, नेतागिरी रॉन्ग वर्ड, भारत के नेतृत्व को अमेरिका ने कल परसों जो है वो दुनिया को बता दिया, क्योंकि अमेरिका के पास इतनी सक्षमता नहीं है कि वो अरब वर्ल्ड को भी साथ लेके चले, वो अफ्रीकी वर्ल्ड को भी साथ लेके चले, क्योंकि उनके पास, वो कहते तो हैं कि हम डेमोक्रेसी और फ्री वर्ल्ड के चैंपियन हैं, लेकिन उनका फ्री वर्ल्ड है वो किसी सद्दाम हुसैन के ऊपर गोली चला देता है, किसी इराकियों को मार देता है, क्योंकि झूठ मूठ वो कहते हैं कि वहां पे वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि कुछ नहीं होता है वहां पे, बेचारे इलाकियों को बेकार में उन्होंने इतने इलाकियों की जान ले ली, भारत ने किसी की नहीं ली। इसलिए भारत की बात दुनिया की बात है, दुनिया को नेतृत्व करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में एक ही एंशियंट सिविलाइजेशन की है, वो है भारतवर्ष। और हमारी बात जावेद भाई की बात, हमारी बात आपकी बात, प्रोवाइडेड कि आप हमें अपना मान लें। हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कह सकते हैं, भाई हम भी आपके ही हैं, आपको भाई किसी किसी को कोई, जैसे एक अरब है, अरब होने का मतलब ये कतई नहीं कि आप मुस्लिम हैं। मैं अरबिया में रहा हूं, मैं अरब जूस से मिला हूं, मैं अरब बहाई से मिला हूं, मैं अरब क्रिश्चियन से मिला, वो सारे मिलजुल के रहते हैं। बाय द वे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखता है, नहीं लिखता इस्लामिक अरब ऑफ एमिरेट्स,
सऊदी अरेबिया भी अपने आप को सऊदी अरेबिया ही लिखता, नहीं लिखता है कि सऊदी इस्लामिक। टर्की भी अपने आप को रिपब्लिक ऑफ टर्की टर्की कहता है। अब बहरीन भी अपने आप को अरब कंट्रीज से जोड़ता है। मेरा एक सीरियन दोस्त है, वो मुझसे पूछता है कि अभिषेक 21 अरब कंट्री है, 16 के नाम बता दो तो मैं तुम्हें जो है आज रात का डिनर कराऊंगा। मैंने 17 के नाम बता दिए, ये बात अलग थी। वो अरब्स हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो अरब्स हैं और प्राउड अरब्स हैं। वो टपा टप ये भी लगाता था और मेरे साथ सब बात भी करता था। उस ही इज कल्चरली मुस्लिम एंड कल्चरली अरब, आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप धर्म रिलीजन जो है उसको पर्सनल मैटर बनाइए, उससे खूब खुशियां लीजिए। हम भी आपके साथ आएंगे, ईद मनाएंगे, हम भी आपके साथ सेवैयां खाएंगे, बल्कि आप कहेंगे तो हम अपने घर से बना के ले आएंगे। लेकिन आपको सबको अपनाना पड़ेगा, आपको अपनी ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करना, आपको तुर्क बनना पड़ेगा। आप तो अर्तुगरल के फैन है, वो तुर्क कहता है अपने आप को, कभी कहा कि हम मुसलमान है, वो कह रहे हम तुर्क हैं, तुर्क के अलावा हम मुसलमान, हमारी नेशनल और एथनिक आइडेंटिटी तुर्किश है भाई, और जो रिलीजन हमारा पर्सनल अकीदा है। अतः तुर्क को पढ़ ले आप, तो हम आपसे बस यही कह रहे हैं, आप भी हमारे हैं, हम तो यही कह रहे हैं हम आपके हैं, और आप कह रहे हैं हम आपके हैं कौन। अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि कौन किसका है। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही मैं पूछना चाहूंगी कि रिसेंटली ही हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे फ्रांस, वहां उनको बोला कि हमारा कर्जा माफ कर दो, मैं और कर्जा भी दे दूं। इस वक्त हम लोग बहुत क्राइसिस में घिरे हुए हैं, तो वहां पर एक छतरी अम्ब्रेला से रिलेटेड एक वीडियो भी वायरल हो रही है, और हमारे मीडिया पर ये दिखाया जा रहा है कि इसके पीछे पीछे भी जो है वो भारत की साजिश है। भारत हमेशा जो है पाकिस्तान की इमेज डाउन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इमेज जो है वो डाउन करता है। तो आप दोनों को क्या वाकई लगता है कि भारत का ही हाथ है इन सब में, या फिर हम में खुद में ही पॉलिटिकल एथिक्स नहीं है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जावेद पहले भाई आप तो बोलो, जानते हैं जावेद सर। जावेद भाई को बुलवाइए पहले। देखो मैं आपसे ये कहूं कि भारत के लोग, चाहे छोटा सा छोटा कोई आदमी हो, वो किसी की बेइज्जती करना ही नहीं चाहता, पहली बात। फिर रहे प्राइम मिनिस्टर की बात, हम या आ, आ, आज क्या होता है पाकिस्तान में या और किसी जगह होता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान कुछ पार्टी है। मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, और मुसलमान हिंदू इसमें कोई मजहब की दो राय नहीं है, ठीक है। हम पहले समझते हैं कि पहला हमारा देश है, मजहब को छोड़ के, मजहब मजहब की कट्टरपंथी यहाँ पे नहीं चलती है। हाँ, पहले हमें अपने देश को बचाना। मैं फख्र समझता हूं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और इस सरजमीन में रह रहा, ठीक है। यही जो आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने या भारतीय जनता पार्टी ने हमें ट्रोल किया, हमें नीचे दिखाने की कुछ नहीं। भारत का कोई भी वासी हो, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। ये तो मेहमान नवाज लोग हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम इज्जत करना जानते हैं, किसी की इज्जत को उतारना नहीं जानते हैं। मेरे ख्याल में उनको समझना चाहिए कि हमें कैसे इज्जत बढ़ानी है। ये मेरे भाई ने अच्छी बात कही कि जिस चीन के साथ आप रबते में हो, उस चीन ने 1500 मस्जिदों को जमीन बोज किया। हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जहां अजान नमाज किसी चीज पे पाबंदी नहीं है, किसी मजहब पे नहीं। आपको चीन अच्छा है या हिंदुस्तान अच्छा है, मुझे ये बताइए पहले। ये तो जरूरी पूछना है, इससे आप वहां के वासी है, आप वहां के रहने वाले हैं, आप बात कर सकते हो। अगर हम बात कर सकते हैं अपने मुल्क की, तो आप भी बात कर सकते हो। आपको वो पड़ोसी चाहिए जिसने 1500 मस्जिदों को जमीन बोज किया, या वो पड़ोसी चाहे जो मस्जिदों और मुसलमानों की हिफाजत करता है, जहां हमारी माए बहनें इज्जत इज्जत के साथ रहते हैं, क्या आपको वो पड़ोसी चाहे, या वो पड़ोसी चाहे जिसने 1500 मस्जिदों को जमीन बोज किया? ये मुझे सवाल का जवाब दे देना। बिल्कुल सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सच बोली है। मैं खुद इस बात को तस्लीम करती हूँ कि हम बोलते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, जबकि वो तो है ही एंटी मुस्लिम, तो फिर वो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के दोस्त कैसे हो सकते हैं? अगर आप अपने मुल्क की बात करोगे, आपके मुल्क में
जब मस्जिद में इमाम साहब आता है उसको डर रहता है कि कोई पीछे से बम ना मारे। स्कूल में जब बच्चे भेज देते हो, मुझे बताओ किस मजहब में लिखा हुआ है मैं रो रहा हूं कसम से, ये हंसने की बातें नहीं है, मैं रो रहा हूं। किस कौन सा मजहब ऐसा है जो बम आदमी गांडे बांधे अपने ऊपर फिर जाए स्कूल में वहां ब्लास्ट करे, मुझे बताए। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, ये इम्तिहान का मुकाम है, यहां हमें एक दूसरे को साथ देना है, एक दूसरे के काम में आना है, गरीब को मदद करनी है, मजलूम का साथ देना है। मगर मैंने ऐसा इस्लाम तो नहीं पढ़ा है कि जो सुसाइड बम लगा के किसी मस्जिद में जाएगा वहां नमाजियों को ही मार देगा। हम अच्छे हैं भाई, हमें उधर मत, हमें हमें वहां मत ले जा भाई, हमें हमारी बात ही मत किया करो। और दूसरा, पड़ोसी वो बेहतरीन होता है, हमारा दीन इस्लाम कहता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता है वो इस्लाम से खारिज है, जो अपने मुल्क की इज्जत नहीं कर सकता है, हम अपने जो अपने बादशाह की प्राइम मिनिस्टर का इज्जत नहीं कर सकता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, जो अपने बादशाह की इज्जत नहीं कर सकता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है, ये हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये मेरा इस्लाम कहता है, ये मेरा मजहब कहता है। मैं यही कहता हूं आप लोगों से, आप हमारे भाई हो, आप हमारी बहन हो, वहां मुसलमान रह रहे हैं, क्या उन मुसलमानों को अकल नहीं है? हम उसका साथ दे रहे हैं जहां पे मुसलमानों का कत्लेआम होता है, वहां मस्जिदों को गिराया जाता है और उससे दोस्ती करते हैं, जो मुसलमानों को आगे बढ़ाता है, जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के साथ रहते हैं वहां पे बम ब्लास्ट करवाते हो, कैसे मुसलमान हो भाई? इसी सेम सवाल पर, इसी सेम बात पर आखिर में अभिषेक जी के भी रिव्यूज जानना चाहूंगी। नहीं, जावेद भाई ने इतना अच्छा सम अप कर दिया है कि उसके बाद कुछ बोलने की उसमें जरूरत पड़ी नहीं जाती है। आप पहले इंडियन हो, फिर आपका जो भी हो, वो बात खत्म, हम सब एक है, हम तो कह ही रहे हैं ये भाई, हम लोग का तो यही मानना। फिर हम लोग आपकी दिक्कत है, हमें आप कहते हो मेजोरिटी, इनको कहते हो माइनॉरिटी, भाई पता नहीं क्यों भाई, हम सब एक हैं, हमारी माँ एक है, हमारा पूरा सदियों हजारों साल का हमारा सिविलाइजेशन एक है भाई, हम कैसे मेजोरिटी माइनॉरिटी में बदल जाएंगे? हमारा पर्सनल रिलेशनशिप एक अलग चीज है, आप दुनिया को एक ही चश्मे से देखते हो, दिक्कत ये आपको आपकी आपको नजरों की प्रॉब्लम है, बट आप चश्मा नहीं उतारना चाहते, दुनिया को सब चीज एक नजर से देखते हो, दुनिया में और भी नजरिए हैं उनको देखें, आपको लोगों को एक साथ लेके चलना है, प्लुरालिटी को और डाइवर्सिटी को। तो हमारा तो यही कहना, हमारी कहानी हम बार बार कह रहे हैं, भारत की कहानी सबकी कहानी, ये जो अब 700 साल तक लोगों ने हमें गुलाम बनाने की कोशिश की, भारत अब अपना अपना हुकुम चलाएगा, लेकिन भारत की हुकूमत की खास बात क्या होगी, ये वाकई में सबकी हुकूमत होगी, ये हुकूमत होगी उन अफ्रीकन्स की जिनके साथ अन्याय हुआ, ये हुकूमत होगी उन अरबों की जिनके साथ सेंट्रल एशियंस ने अन्याय किया, जिनके साथ तुर्कों ने अन्याय किया, जिनके साथ अमेरिकन ने अन्याय किया, ये हुकूमत होगी उन अमेरिकन की जो फ्री सोसाइटी में विश्वास रखते हैं, ये हुकूमत होगी उन लोगों की जो दुनिया से अपने आप को कनेक्टेड नहीं पाते हैं। इंडिया इज ट्रूली अ विश्व गुरु, नॉट बिकॉज ऑफ रीसेंट फिनोमिना, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर हमारे बाप दादा पुरखों ने हमें ये भेजा दिया है कि हम सबको अपना मानते हैं, हम मानवता की बात करते हैं और मानव धर्म ही हमारा धर्म है, मानव से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है और मानवता से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है, भारत की बात, मानवता की बात, इसी को आप सेफ्रोनाइजेशन कहते हैं और कुछ नहीं है हमारा, हम किसी को अंतर नहीं देखते, हम किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं कहते, हम किसी आस्था का सम्मान नहीं करते, हम सबको अपनाते हैं, गले लगाते हैं, हम किसी को नहीं हटाते, हम किसी को नहीं कहते हम बेहतर तुम बेहतर, यही बात हम दुनिया के पास लेके जा रहे हैं। इसीलिए आज अलसीसी इजिप्ट, एक इतनी बड़ी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इजिप्ट कोई छोटी चीज नहीं है, अमेरिका से सीधा इजिप्ट आना, आप समझिए इसके कुछ मायने हैं, और इजिप्ट के प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज के उस पे टारमाक पे उनका खुद जाके होस्ट करना, दिस इज अ बिग मैसेज कि दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और वो बदलाव में कोई हिंसा नहीं है,
वो बदलाव प्यार से आ रहा है, वो बदलाव विचार से आ रहा है, वो बदलाव अपना अपनेपन से आ रहा है। वो बदलाव सिर्फ ये कह रहा है कि एकम सत बहुधा विप्रहा वदन्ति, वो यही कह रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरा परिवार, ईद मेरी, दिवाली मेरी, होली मेरा, क्रिसमस मेरा, और जो त्योहार है वो सब मेरे, हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। खुशियों के कोई गिनने के दिन होते हैं क्या? अगर एक ही दिवाली दिवाली मना ली है तो एक ईद मना लेंगे और एक दिन खुशी का मिल जाएगा, एक क्रिसमस मना लेंगे और एक दिन खुशी का मिल जाएगा। खुश होने के जितने हमको लम्हे मिलेंगे वो हम जोड़ेंगे, क्योंकि इस पर जब परिवार हमारा है, इतने सारे डाइवर्स लोग हमारे हैं, तो फिर हमको सबको, सभी सभी त्योहारों को हमें अपना समझ के सेलिब्रेट करना है, और हम करेंगे। जावेद भाई के साथ भी रहेंगे, कोशिश तो हम आपके साथ भी रहने की कर रहे हैं, अब देखें आप क्या कहती हैं। बिल्कुल सही हो गया अभिषेक सर, मैं आपकी बातों से एग्री करती हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि आप दोनों ने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत ज्यादा तारीफ की, फैक्ट्स एंड फिगर्स आगे रखे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स को भी इतना ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को मैं एंड करना चाहूंगी यहीं पर। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, बाय धन्यवाद। बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।